आज हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जैसा कि हमने पहले भी आपको कई बार बताया है, कंज्यूमर इज द गॉड ऑफ मार्केट। अगर आप कंज्यूमर को मार्केट में से अलग कर देंगे तो आपकी जो मार्केट है वो जीरो हो जाएगी, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं रह जाएगा, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। जैसे आजकल कोरोना महामारी में स्कूल में स्टूडेंट्स नहीं है तो स्कूल का अस्तित्व ही नहीं है, तो स्कूल किससे शोभा देता है? केवल और केवल स्टूडेंट से। आपकी ग्रेन मार्केट हो, वेजिटेबल मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पर सेलर होंगे, बायर होंगे, हमारे कस्टमर होंगे, तो मार्केट की शोभा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हमारे भारत के इतिहास में 1986 में ये एक्ट जब पार्लियामेंट में पास किया गया तो एक नई दिशा लेकर आया कंज्यूमर के लिए, एक उनको एक नया कवच प्रदान किया, एक नई सुरक्षा प्रदान की, जिससे हमारे कंज्यूमर के अंदर एक नया उत्साह आया कि उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने सोचा है। तो इसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये पार्लियामेंट में पारित किया गया, पास किया गया कब? 1986 में, परंतु पूरे देश में इफेक्टिव हुआ 1 जुलाई 1987 में। पूरे देश में इसका इफेक्ट पड़ा, केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। अब वहां पर भी धारा हटा दी गई है, इसलिए जम्मू और कश्मीर में भी ये एज इट इज इंप्लीमेंट होगा। फिर इसमें कुछ सुधार किए गए, अमेंडेड हुए, तो वो हुए हमारे 1993 और 2003 में। जो भी इसमें कमियां थी उनको सुधारा गया और इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, कुछ और चीज़ों को, कुछ राइट्स को इसके अंदर ऐड किया गया, उसको हम कहते हैं अमेंडेड। कवरेज ऑल द आइटम्स, ये एक्ट लगभग हमारी जो कंज्यूमर के यूज़ होने वाली लाइफ में सारी गुड्स हैं, हर टाइप की सर्विस है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है, चाहे वो लॉ से संबंधित है, चाहे वो मेडिकल से संबंधित है, या जो भी हम गुड्स यूज़ करते हैं, मेडिसिन, खाने पीने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सबको कवर करता है। कवरेज ऑफ द सेक्टर्स, इसमें हर तरह का सेक्टर शामिल है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, आप सबके लिए अपना केस कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंपलसरी नेचर ऑफ द प्रोविजन। इस एक्ट में जितने भी प्रोविजन बनाए गए वो सबके लिए कंपलसरी हैं, यानी कि जो सेलर है वो जो भी प्रोविजंस के तहत कंज्यूमर का राइट बनता है उसको उसको देना ही पड़ेगा, उसके लिए कंपलसरी है, नहीं तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ग्रुप ऑफ द कंज्यूमर राइट्स, इसमें इस एक्ट के अंदर हमने कंज्यूमर्स के लिए कुछ अधिकार बनाए, वो आगे हम चलकर राइट भी पढ़ेंगे कि हमारे कंज्यूमर को किस प्रकार से उनको किसी भी चीज के बारे में जानने का अधिकार है, कोई भी वस्तु चुनने का अधिकार है, और किसी भी तरह का अपने गुड्स के लिए डिफेक्टिव सर्विसेज के लिए, डिफेक्टिव गुड्स के लिए अपना आवाज़ उठाने का अधिकार है। इसके बाद आता है इफेक्टिव सेफ गार्ड्स। हमारा जो ये एक्ट है ये कंज्यूमर को एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। किस प्रकार की सेफ्टी? कि अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है, उसे डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड की गई है, डिफेक्टिव सर्विस प्रोवाइड की गई है, उससे ओवरचार्ज किया गया है, या उसको सर्विस लो स्टैंडर्ड की दी गई है, उसको जो गुड्स प्रोवाइड की गई है वो लो स्टैंडर्ड की प्रोवाइड की गई है, जिसके कारण उसको नुकसान हो गया, तो वो अपने नुकसान की भरपाई इस एक्ट के तहत करवा सकता है। पूरी सेफ्टी
प्रोवाइड करता है ये कंज्यूमर को। एक बार कंज्यूमर को इसके अंदर आकर अपनी बात को कहना पड़ेगा, फिर वही बात आ जाती है कि कंज्यूमर अपने अधिकारों का इंजॉय तभी कर सकता है जब कंज्यूमर के पास सब कुछ हो। अब हमारे पास सारी तरह के बिल हैं और हमने फिर माल खरीदा हुआ है, गारंटी कार्ड है, वारंटी कार्ड है, फिर हम लोग पूरी तरह से शिकायत कर सकते हैं अपनी डिफेक्टिव गुड्स के लिए। और यदि हमारे पास बिल ही नहीं है, हमने वैसे ही विश्वास पर माल खरीदा हुआ है, कब माल खरीदा है, कौन सी उसकी एक्सपायरी डेट है, किसी के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, तो हम उसके लिए कोई भी अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। इसमें थ्री टायर मशीनरी लागू होती है। पहले आपका केस एक कोर्ट में जाता है और उस कोर्ट का नाम है डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपके सारे जो हल हैं वो इस कोर्ट में हल होते हैं। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप अगला केस दर्ज कर सकते हैं। कोई भी पीड़ित पक्षकार हो सकता है, इसमें कंज्यूमर भी हो सकता है, या जो सेलर है वो कहता है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो भी कर सकता है। तो दोनों ही पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं है उनमें से कोई भी, तो वो स्टेट लेवल पर जा सकते हैं, उसको हम स्टेट कमीशन कहते हैं। और यदि वहाँ से भी वो उनमें से कोई भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेशनल लेवल पर जा सकते हैं। इसलिए हम इसको थ्री टायर मशीनरी कहते हैं। इस कोर्ट के अंदर बच्चों जो भी हमारे मेंबर बनाए जाते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के अंदर हमारे ऑफिशियल लोग भी होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट से संबंधित लोग होते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो समाज के एक आम व्यक्ति होते हैं, परंतु वो भी एक पूरी तरह से पढ़े लिखे जिम्मेवार और रेप्टेड पर्सन होने चाहिए, जो कंज्यूमर के लिए एक प्रोटेक्शन दिलवाने वाले लोग हों। तो उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाता है और पूरी तरह से कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। अगली जो मेन बात है वो है टाइम बाउंडेड। हमारे दूसरे कोर्ट में ये नहीं होता कि आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है और आपकी जिंदगी भी तक बीत जाती है, कई बार तो डेथ भी हो जाती है, परंतु उस केस का कोई हल नहीं निकलता। परंतु कंज्यूमर कोर्ट के अंदर अगर आप केस डालेंगे तो उसका टाइम बाउंड है, उस टाइम के अंदर अंदर वो सॉल्यूशन निकलना कंपलसरी है। ये सबसे बढ़िया बात है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कंज्यूमर अपने आप के लिए, अपने अधिकारों के लिए पूरी तरह से आवाज़ उठा सकता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसी ना किसी सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन की सहायता ले सकता है। और जो लोग इसके अंदर मेंबर हैं या जो भी वकील है उसकी तरफ से लड़ेगा, उसके कोई चार्जेज नहीं होते, उसकी पूरी तरह से सुरक्षा की जाती है और उसको उसके अधिकार दिलवाए जाते हैं। तो ये है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। पेपर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, परंतु आप अपनी लाइफ में भी इसका बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग अनपढ़ हैं या जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए भी आपको उनके लिए भी स्टेप्स उठाने के लिए इसके तहत उनकी भी आपको सुनवाई करवानी चाहिए, तब आप वास्तव में एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, नहीं तो नहीं है। दैट्स इट।